हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बात करने वाला हूँ वैल्यू प्राइस पॉइंट पे वो कौन से मॉडल्स हैं जो 2022 में अवेलेबल है। आप लोग जानकारी होंगे कि कार के प्राइसेस निरंतर इंक्रीज होते जा रहे हैं। समहाउ मैं कुछ सैंपल की बात करूँ तो फॉर्चुनर का लेजेंडर नाउ इन डेनिम मार्केट कॉस्ट मोर देन 50 लाख रुपीज। कीमतें बढ़ती जा रही है। इनोवा क्रिस्टा टॉप मॉडल ना कॉस्ट मोर देन 30 लाख रुपीज। स्कॉर्पियो कॉस्ट इन मोर देन 20 लाख रुपीज स्कॉर्पियो। और ये बड़ी बड़ी कारों की बात क्या करें, छोटी कार की बात कर लीजिए। वैगन आर सेलेरियो की कीमत भी अब डेली मार्केट में 7.5 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच में। जो लोग चाहते हैं टॉप मॉडल वेरियंट विद फुली लोडेड फीचर्स इन द एंट्री सेगमेंट कार्स लाइक सेलेरियो एंड वैगन आर, दे हैव टू शेल्व इन 7.5 लाख रुपीज। तो बॉस, कार के प्राइसेस हैव बीन ऑन एन इंक्रीजिंग स्पीड। लेकिन इस प्राइस इंक्रीज मार्केट में वो कौन से मॉडल्स हैं जो वैल्यू प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है, वही आपसे कहानी डिस्कस करने वाला हूँ। तो साहब, बजट के हिसाब से बात करते हैं। अगर 9 to 10 लाख का बजट है, सर्टेनली कार की ऑन रोड कीमत आपको 11 लाख के बीच पड़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन 9 to 10 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में टू कार्स आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू इन द प्रेजेंट मार्केट। नंबर वन हैज टू बी मारुति सुजुकी एस क्रॉस जेटा मॉडल एट 9.99 लाख रुपीज। दिस इज अ फैंटास्टिक कार इन द वैल्यू प्राइस पॉइंट प्रोपोजिशन। बॉस, मारुति सुजुकी का प्रो वन 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको बेहतरीन मिलती है। कार के जो हाईवे डायनामिक्स है वो अच्छे हैं। सस्पेंशन इज ऑन अ स्टिफन साइड। इट्स वन ऑफ द बेटर कार्स फॉर मारुति सुजुकी इन टर्म्स ऑफ स्टेबल का एक्सपीरियंस। आपको राइड अच्छी मिलेगी, स्पेशियस है, फीचर लोडेड है। जेटा में आपको ऑल मॉडर्न एज के स्टाइलिंग, कन्वीनियंस, इंफोटेनमेंट के फीचर्स मिलते हैं और एक प्लश एक्सपीरियंस मिलता है। एस क्रॉस जेटा की जो कीमत थी 2020 बेसिक्स मॉडल की, वो 2022 के स्टार्ट में सेम है बॉस, और साथ में डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। तो क्या लेंगे? इट्स अ गुड कार, इज सर्टेनली अ वेरी गुड वैल्यू प्राइस पॉइंट पर आपको अवेलेबल है। जो नंबर टू कार मेरे हिसाब से 9 to 10 लाख रुपीज में वैल्यू प्राइस पॉइंट पे है, वो है होंडा सिटी का फोर्थ जनरेशन है 9.29 लाख रुपीज विद एसवी मॉडल एंड 9.99 लाख रुपीज विद वीएमटी मॉडल। होंडा सिटी की बात है, एक स्पेस है, एक क्लास है, एक रिलायबल आपको एक्सपीरियंस मिलता है। इट्स अ प्रूवन टाइम टेस्टेड फोर्थ जनरेशन मॉडल 2014 में आई बिलीव सो फोर्थ जनरेशन लॉन्च हुआ था, और 7-8 साल में द कार इज एब्सोल्यूट निगल फ्री। फीचर लोडेड है, स्टाइलिश है, रोड पे अपनी प्रेजेंस है, चलती बढ़िया है, स्पेशियस है। व्हाट एल्स यू वांट? आई थिंक यू वुड बी डिलाइटेड विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन होंडा सिटी फोर जनरेशन ईदर इन द एसयूवी ट्रिम और द वी ट्रिम। बजट थोड़ा कम है, 8 to 9 लाख रुपीज, बट द कार सर्टेनली ऑन रोड विल कॉस्ट यू अराउंड 10 लाख रुपीज। इन दैट केस यू कैन लुक आउट फॉर 3 मॉडल वेरियंट्स। मारुति सुजुकी सियास का सिग्मा वेरिएंट 8.87 लाख रुपीज, लेटेस्ट एक्सशोरूम प्राइस बता रहा हूँ। कार के लेटेस्ट प्राइस जानने हैं आज की तारीख में, लेटेस्ट प्राइस बिल्कुल, प्लीज विजिट www.mycarhelpline.com। न्यू कार सेक्शन में आइए, लेटेस्ट प्राइस चेक करिए, कार के फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। सियास सिग्मा आपको बेहतरीन वैल्यू प्रोपोजिशन में मिलती है। ऑल दो देखिए, सिग्मा बेस वेरिएंट है, पर कार में फीचर्स में कमी नहीं मिलेगी। आपको प्रोजेक्टर्स मिलेंगे, ऑल फोर पावर विंडो, रिमोट सेंट्रल लॉक, रियर एसी वेंट, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। सियास का 1.5 पेट्रोल इंजन के रिस्पॉन्स अच्छा खासा है। सस्पेंशन कम्फर्ट ओरिएंटेड साइड पे है। जो रियर सीट पे पैसेंजर्स हैं, आई कैन टेल यू दे विल फाइंड मोर देमसेल्व्स मोर कम्फर्टेबल इन सियास as against even Honda City 4th generation, as against even against Hyundai Verna also, as against against Vento, Rapid, any other mid-sedan car. Sias ka ek experience aapko behtareen milta hai. Sias ke ek alag baat hai. Maruti Suzuki ki proven reliability hai. Fuel efficient car hai. What else you want? I think you will be impressed in terms of value price point. Jo number 2 car hai sahab, wo hai Tata Motors ki Nexon XM. 8.4 लाख रुपीस पे 5-स्टार रेटेड कार फ्रॉम टाटा मोटर्स। आई थिंक नेक्सॉन का एक्सपीरियंस आपको 5-स्टार रेटेड के साथ साथ आपको जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम स्टैंडर्ड मिलेगा, जो उसका स्पोर्ट्स मोड है, और जो सारे जरूरी फीचर्स मॉडर्न एज कार में चाहिए, ऑल फोर पावर विंडो, रिमोट सेंट्रल लॉक, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक ORVM, पावर स्टीयरिंग, AC, हीटर, अच्छी स्पेस, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, डायनेमिक्स अच्छे हैं, वो सब चीजें आपको नेक्सॉन
XM में मिलेगी 8.4 लाख रुपीस में 5-स्टार रेटेड कार, SUV की चाहे आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। और साहब जो तीसरी कार मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आपके मन में है ऑटोमेटिक कार के हिसाब से कि मैनुअल नहीं चाहिए ऑटोमेटिक चाहिए, उस केस में आप देख सकते हैं दो कार्स। या तो आप देखिए अगर रिक्वायरमेंट आपकी सिटी यूसेज में है, होंडा कार्स इंडिया की अमेज SCVT, अ फैंटास्टिक ब्यूटीफुल कार इन टर्म्स ऑफ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। आपको कार का जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट साइड पे है, टर्निंग रेडियस लो है, फ्यूल एफिशिएंट कार है, सिटी यूसेज में यू विल फाइंड इट टू बी एब्सोल्यूट परफेक्ट CVT का, बिल्कुल एक अलग रिफाइंड एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर आपके मन में है कि भाई SUV की चाह रखते हैं कि भाई SUV ही चाहिए, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, तो निसान की मैग्नाइट XL CVT देख सकते हैं और इट विल कॉस्ट यू 8.56 लाख रुपीज। ऑल्दो टू माय व्यू निसान मैग्नाइट के अंदर जो उसका स्टेयरिंग का फीडबैक है थोड़ा सा और बेहतर होता तो अच्छा होता, लेकिन मैग्नाइट में आपको फीचर्स अच्छे मिलेंगे, मैग्नाइट की कैबिन स्पेस अच्छी है, सस्पेंशन स्टिफ साइड पे है, लेकिन मैग्नाइट की रोड प्रेजेंस अच्छी है, वो अलग अलग बात है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक कार के हिसाब से है तो दो कार्स आई बिलीव कैन टर्न आउट टू बी गुड चॉइस। बजट थोड़ा कम है और नीचे आ जाते हैं 7-8 लाख रुपीज के बीच में, तो बॉस यहाँ पे मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा LXi 7.69 लाख रुपीज। आई थिंक ब्रेजा की एक कहानी है, ब्रेजा का एक एक्सपीरियंस है, 1500cc का पेट्रोल इंजन, 4-स्टार रेटेड कार, कार की जब आप चलाएंगे जो उसका कंफर्ट है, जो उसका सस्पेंशन डायनामिक्स है, जो उसका 1500cc पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस है, और डिस्पाइट ऑफ बेस मॉडल आपको प्रोजेक्टर्स मिलेंगे, म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, चारों पावर विंडो मिलेंगे, रिमोट सेंट्रल लॉक मिलेगा, इलेक्ट्रिक ORVM मिलेगा, पावर स्टीयरिंग मिलेगा, AC हीटर मिलेगा, आपको अच्छे प्राइस पॉइंट पे कार अवेलेबल होगी। ऑल दो ब्रेजा का अगला जनरेशन 2022 में ही ड्यू है, लेकिन अभी जो वर्तमान में कार है कोई बुराई नहीं है, यू कैन बाय दिस अक्रॉस। और SUV की चाह रखते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं दूसरी कार विच इज महिंद्रा XUV 300 W4 पेट्रोल बेस मॉडल। ऑल्दो लेट मी डिस्क्लेम टू यू, दिस इज अ मॉडल विच इज अ नेम सेक मॉडल टू द बेस्ट ऑफ माई व्यू, क्योंकि बाजार में डिलीवरीज बहुत ही रेयर इसकी हो रही हैं, या तो कह सकते हैं कि वेटिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन आप फिर भी पता कर सकते हैं अगर आपको गाड़ी मिल जाती है, बेहतरीन प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है 7.95 लाख रुपीज पे। और XUV 300 W 1200cc का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन में 200 Nm टॉर्क, 5-स्टार रेटेड कार, बढ़िया डायनामिक्स, डिस्पाइट ऑफ बेस मॉडल आपको इलेक्ट्रिक ORVM मिलेंगे, आपको चारों पावर विंडो मिलेंगी, आपको सेंट्रल लॉक मिलेगा, आपको AC हीटर, पावर स्टीयरिंग, आपको एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा विद ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेल वैल्यू प्राइस पॉइंट कार। लेकिन दोनों मॉडल्स में, ब्रेजा LXi में और XUV 300 W में, एक कमी है, वो कमी ये है कि रियर में हेडरेस्ट ही मिसिंग है, तो वो आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, लेकिन बोथ दिस कार्स आई थिंक आप अगर वैल्यू प्राइस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, फैंटास्टिक चॉइस। नीचे आ जाते हैं साहब, अगर बजट है 6-7 लाख रुपीज के बीच में, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा गोइन फॉर द हैचबैक कार्स। यू कैन गेट इन द मारुति सुजुकी बलेनो, सिग्मा और डेल्टा, डेल्टा कॉस्ट अराउंड 7 लाख रुपीज, सिग्मा कॉस्ट अराउंड 6.1-6.2 लाख रुपीज। एग्जैक्ट प्राइस जानने हैं प्लीज विजिट www.mycarhelpline.com। सेकेंड कार देख सकते हैं Hyundai i20 Magna, दिस विल कॉस्ट यू 6.98 लाख रुपीज, और टाटा मोटर्स Altroz XE Plus एट 6.4 लाख रुपीज। मैं आपको तीनों कार के बारे में अलग कहानी देता हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इमैक्यूलेट बिल्ड क्वालिटी, टॉप नॉच हैंडलिंग करेक्ट ऑफ द कार, स्टीयरिंग डायनामिक्स बहुत ही बढ़िया हो, और कार आपको एक ऐसी चले जिसमें आपको सेफ्टी के हिसाब से, हैंडलिंग के हिसाब से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तो टाटा मोटर्स की Altroz टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट वैल्यू चॉइस। अगर आपके मन में है एक ऐसी कार जिसके अंदर आपको इंटीरियर्स थोड़े से मॉडर्न महसूस हो, आपको ब्राइट इंटीरियर्स मिले, एक रिलायबल हो, 4-स्टार पेट्रोल इंजन हो, आपके मन में हो कि बॉस मैं इस कार को चला रहा हूँ, रोड पे मेरी कार की प्रेजेंस अलग दिखाई दे, तो i20 Magna देख सकते हैं। और कार का जो बॉडी वेट है पहले से 100 kg शेड ऑफ कम हो गया है, तो कार इज मोर फ्यूल एफिशिएंट एंड इट्स मोर पेपियर आल्सो। नहीं तो मारुति बलेनो, डेल्टा और सिग्मा टर्न्स आउट टू बी गुड चॉइस। अगेन मारुति का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, स्पेशियस कार है, फीचर लोडेड है, चलाने में अच्छी है। और मारुति की कार्स के अंदर जान लीजिए जो नेक्सा काउंटर से आती हैं, उसमें आपको हाइब्रिड डायनामिक्स बेहतर मिलते हैं, क्योंकि सस्पेंशन वो रेगुलर एरेना शोरूम के मुकाबले थोड़ा सा आपको स्टिफन साइड में मिलता है। तो ये तीन कार्स आप देख सकते हैं, और बजट थोड़ा सा और कम है 5-6 लाख रुपीज के बीच में,
तो वहां पे रिकमेंड करूंगा इग्निस सिग्मा एट 5.25 लाख रुपीस, ह्युंडई ग्रैंड आई10 नियोस एरा देख सकते हैं अराउंड 5.2, और मैग्ना देख सकते हैं अराउंड 6 लाख रुपीस एक्स शोरूम 5.99 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज विद यू। यटाडा मोटर्स की पंच देख सकते हैं एट 5.6 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइस। अब इन तीनों कार्स की कहानी जान लीजिए। मारुति सुजुकी इग्निस से आपको मोहब्बत हो जाएगी। 15 इंच के व्हील्स आते हैं, अच्छी स्टेबिलिटी है, बढ़िया प्राइस पर में मिलती है, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है और कस्टमाइजेशन आप इस कार में बेहतरीन कर सकते हैं। 25-30 हज़ार रुपये देंगे आपको इस कार में म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, रिमोट सेंटर लॉक मिल जाएगा, व्हील कवर्स मिल जाएंगे और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आई एम श्योर यू विल लव द कार विद द प्राइस पॉइंट इन विच इट्स अवेलेबल। नियोस के बारे में क्या कहें, बढ़िया प्राइस पॉइंट पे कार अवेलेबल है। नियोस के अंदर भी आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, रिफाइनमेंट के हिसाब से, सिटी यूसेज के हिसाब से ग्रैंड आई10 नियोस इज वन ऑफ द बेटर कार्स वी हैव इन द इंडियन मार्केट सिटी यूसेज के हिसाब से बता रहा हूँ। ये तो इसका AMT दे सकते हैं, अगर 6 से 7 लाख के बीच में बजट हो आपको AMT कार ऑटोमेटिक कार चाह रहे हो तो वहाँ पर अलग बात है, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन में भी लाइट क्लच, लाइट आपको स्टीयरिंग, गियर भी बिल्कुल स्लीक है और बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। 5.99 लाख रुपीस में नियोस मैग्ना 2022 में अवेलेबल है, और क्या चाहिए। और टाटा मोटर्स की पंच, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को SUV जैसी कार चाहिए, हालांकि SUV नहीं कहेंगे उस कार को, SUV जैसी कार चाहिए, बढ़िया डायनामिक्स हो, बिल्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, 5-स्टार रेटेड कार हो, स्टीयरिंग डायनामिक्स हाईवे के हिसाब से अच्छे खासे हो और आप चलाते हो कार को तबियत से, आराम से, भाई 60-70 तक मैं चलाऊंगा आराम से, उसके बाद मैं आराम से चलाऊंगा, आई विल नॉट गो कि मैं कार का एक्सेलेरेटर पूरा नीचे बाज दूँ, कार की स्पीड मुझे चाहिए थोड़ी सी, कार का पिकअप उसके बाद स्लो है, सो यू हैव टू सेट योर एक्सपेक्टेशन करेक्ट कि बिल्ड, स्टेयरिंग, SUV जैसी ग्राउंड क्लियरेंस, ईजी इंग्रेस इग्रेस और कैबिन स्पेस बढ़िया हो, वो आपको पंच में मिलेगा। 60-70 के बाद थोड़ी सी परफॉर्मेंस यस डाउनसाइड पे है, बट यू हैव टू एडजस्ट योर ड्राइविंग स्टाइल टुवर्ड्स इट। तो ये कुछ कार्स हैं, बजट 5 लाख से भी कम है साहब तो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली इस बढ़ती हुई कीमत के जमाने में मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप अपने लिए कॉम्प्रोमाइज करिए। इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू टू लुक आउट फॉर द सेकेंड हैंड कार्स और आपको वहाँ पर बेहतर ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो वो एक रेट है। बाकी आप लोगों को सशक्त बनाने के लिए, आप इन कार्स के बारे में कोई भी कार लेने का प्लान कर रहे हैं, यू कैन जॉइन इन माई कार हेल्पलाइन कॉम्युनिटी ग्रुप, या किसी और मॉडल के बारे में कंफ्यूज हैं, इंटरेक्ट विद अदर बायर्स ओनर्स बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए माई कार हेल्पलाइन फोरम, अगर आपको कार के अंदर राइट फ्रॉम द टाइम यू थिंक अबाउट बाइंग अ कार टिल द टाइम योर कार इज डिलीवर्ड, तो माई कार हेल्पलाइन गोल्ड सपोर्ट की सुविधा भी अवेलेबल है। आई एम श्योर ये सब चीजें आप लोगों के लिए है ताकि आप लोग एम्पावर महसूस हो एंड यू कैन मेक अ बेस्ट चॉइस फॉर योर नीड रिक्वायरमेंट। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपवोट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माई कार हेल्पलाइन पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।